नमस्कार दोस्तों, हमारी आध्यात्मिक चैनल सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सात चक्र होते हैं अपने शरीर में। हमारे सात चक्र हैं जिनका नाम है मूलाधार। मूलाधार यहाँ पे होता है, उसके थोड़े ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि के यहाँ होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद यहाँ पर होता है अनाहत चक्र, उसके बाद जो है यहाँ पर होता है विशुद्ध ज्ञान चक्र, उसके बाद यहाँ पे होता है यहाँ जो है आज्ञा चक्र, फिर उसके बाद होता है सहस्त्र दल चक्र, यहाँ जो है सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार से ये रीढ़ की हड्डी से नीचे से लेकर इधर तक जो है सातों चक्र होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मूलाधार। तो आज हम आपको पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, उसके बाद में विषय में आपको विशेष जानकारी देंगे। मूलाधार चक्र वह चक्र है जहां पर शरीर का संचालन करने वाली कुंडली शक्ति से युक्त मूल का आधार होता है। मूल अथवा धार इंसान की जो जड़ है, जो मूल है, वो है आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है, यह चक्र जो है शरीर के अंतर्गत गुदा और लिंग के मूल मध्य में स्थित रहता है, जो अन्य स्थानों से कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है। शरीर के अंतर्गत मूल में जो है शिवलिंग आकृति का एक बांस का पिंड होता है, जिसमें शरीर की संचालिका शक्ति रूप में कुंडली शक्ति 3.5 फेरे में लिपटी हुई शयन मुद्रा में रहती है। चूंकि यह कुंडली जो शरीर की संचालिका शक्ति है और वही इस मूल रूपी मास का पिंड है, इस पिंड में 3.5 फेरे लिपटी हुई रहती है। इसी कारण इस मूल पिंड और जहां पर यह आधार रहती है वह मूलाधार चक्र कहलाता है। तो मूलाधार चक्र जो है अपने जो शरीर का जो मूल है, यह मूलाधार चक्र अग्नि वर्ण का होता है। इसका जो है त्रिभुज देखा है आपने, त्रिभुज आकार की इसकी आकृति होती है, जिसकी मध्य में कुंडली सहित मूल स्थित रहता है। इस त्रिभुज के तीनों उत्तंग कोणों में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है। ये तीन नाड़ियां होती हैं। इड़ा जो है दाएं हाथ में, दाएं हाथ तरफ यहाँ पीठ के पीछे होती है, और पिंगला जो है बाईं तरफ होती है, और जो सुषुम्ना है वो बीच में होती है। तीनों नाड़ियां जो उसमें जो मूलाधार पे आके मिलती हैं। इसके अंदर जो है चार प्रकार की चार जो पंखड़ियां, जो आपने देखा होगा कमल का फूल, ऐसी जो है चार पंखड़ियां होती हैं। इसके अंदर जो है चार अक्षरों से युक्त अग्नि वर्ण की चार पंखड़ियां एवं ये पंखड़ियां अक्षरों से युक्त इनके जो अक्षर है, पहली पंखड़ी है जो उसमें लिखा होता है शा, फिर होता है शा, फिर होता है शा, फिर होता हुआ। यहाँ के अविशिष्ट देवता के रूप में गणेश जी माने जाते हैं। यहाँ पर गणेश जी नियत किए गए हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है। जो साधक साधना के मध्य से कुंडली जागृत कर लेता है, अथवा जिस साधक की श्वास प्रसाव रूप साधना द्वारा जागृत हो जाती है, उस जागृत अवस्था में प्रमद गति जब मूलाधार में रहती है, तब तक वहाँ साधक गणेश जी की शक्ति से युक्त व्यक्ति हो जाता है। ये जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट का जो पॉइंट है, उस पॉइंट में जो है वहां जो है मूलाधार चक्र होता है। ये मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा होता है, और जो हम आपको बताते हैं इसका जो मूल मंत्र होता है वो है लम। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठ के और शौच क्रिया करके, स्नान ध्यान करके, भगवान को अपने कुलदेवी देवता को प्रणाम करके, और जो है पद्मासन है, सिद्धासन है, इसमें जो बैठ के और जो है प्रतिदिन जो है उसको ध्यान करता है लम, लम, तो लम जो है, लम इसका बीज मंत्र है। मूलाधार का जो मंत्र है
वो है लम। तो जिसका मूलाधार जागृत हो जाता है यह जो है प्रथम चक्र है, और मूलाधार जागृत होने से कमर के रोग हैं, गठिया के रोग हैं, घुटना के रोग हैं, और शुक्राणु के रोग हैं, और जो है कमर में जो गैप आ जाता है, और गैप में जो है हड्डी में सूजन आ जाती है, तो क्या होता है हड्डी में सूजन है, तो इस मंत्र लम का जो जाप करने से, बार बार जाप करने से इंसान के अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है। इससे लाभ क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में लालच नाम की कोई चीज नहीं रहती, खत्म हो जाती है, एवं एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जिंदगी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हौसला मजबूत हो जाता है, शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। और जो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, तो लम बीज मंत्र का जाप करें और अपने मूलाधार चक्र को जागृत करें, जिससे कमर के रोग हैं, घुटने के रोग हैं, पैरों के रोग हैं, और बच्चादानी के रोग हैं, गर्भाशय के रोग हैं, ल्यूकेरिया की बीमारी है, सूजन है, और जैसे अर्स रोग है, इन सारे रोगों में बेहद लाभ मिलता है। तो इसको करने की ये विधि है, अपने जो है मेरुदंड को सीधा कर लें और जो है आंख बंद करके लम 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 ऐसे इसको बार बार कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को प्रतिदिन जो है अपना जो ध्यान है मूलाधार रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट का हिस्सा है नीचे वाला, उस पर आपको मन ही मन में ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाते वक्त जो रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा आप दबाव या उसको प्रेस कर लें, जिससे आपका ध्यान वहां लगे बार बार। और लम शब्द का जो है बार बार आप उच्चारण करिए, और प्रतिदिन हो सके किसी विद्वान या अपने गुरु की देख रेख में ये जो है चक्र जागृत करें। इससे आपको बेहद लाभ होगा, परमात्मा की बहुत कृपा होगी और आपके धीरे धीरे सातों चक्र जागृत हो जाएंगे। पहला चक्र जागृत होते ही बाकी के चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। इसका हमने आपको मंत्र ही बता दिया है, इसकी विधि भी बता दी है, और हम अपने अगले वीडियो में और भी चक्रों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जो आपकी समझ में ना आए अपने गुरु से परामर्श कर लें, संपर्क कर लें, और कोई गुरु ना मिले तो आदि शक्ति माँ जगदम्बा भोलेनाथ को, देवादिदेव महादेव को ही अपना गुरु मानकर और जो है लम शब्द का उच्चारण करें, और सीधे बैठ के सीधी रीढ़ की हड्डी रख के अपना जो मूल में है जो ध्यान लगाएं, और उसको ध्यान लगाएं कि ये 4 पंखुड़ी वाला है, और इसको आप जो है मंत्र ओम लम 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 लम, तो पहले जो आपको है धीरे धीरे कहना है लम लम, फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ाना है लम लम लम, फिर और स्पीड बढ़ाना है लम 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 लम। इस प्रकार से यदि आप 15 मिनट प्रतिदिन सुबह 15 मिनट शाम को करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि 21 दिन के अंदर आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाएगी, लालच नाम की चीज खत्म हो जाएगी, परमात्मा की विशेष कृपा होगी, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, भौतिक आपको सुख सौभाग्य सुख सामृद्धि प्राप्त होगी, आपकी जो है हरेक अंदर से ऊर्जा प्रबल हो जाएगी, आपका शरीर निरोग हो जाएगा। जय भोले शंकर, हर हर महादेव।